हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 30th सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। क्वेश्चन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, हमें सॉल्व करने हैं 99 मल्टीप्लाई 101। देखो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर हम कर देते हैं 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई 100 प्लस 1, तो यही वैल्यू बन जाएगी। अगर आपको ध्यान हो तो ये क्या इक्वल हो रहा है, ये हो रहा है ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो इसका आंसर क्या होता था अगर आपको याद हो तो, ए की स्क्वेयर माइनस बी की स्क्वेयर। तो हम भी यहाँ पे यही करेंगे, 100 की स्क्वेयर माइनस 1 की स्क्वेयर। तो कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस 1 इक्वल कितना आ जाएगा, 9999। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ध्यान से करना है, थोड़ा समझ कर करना है, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया, माइनस 1 की स्क्वेयर लेना है। तो माइनस 1 की स्क्वेयर ले लो आप। देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द मिसिंग नंबर बेस्ड ऑन द पैटर्न गिवन बिलो। ओके, यहाँ पे पैटर्न दिया गया है। देखो 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल क्या है, 2। किसके इक्वल होगा, 3 की स्क्वेयर के। 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल किसके है, 6 के। तो किसके इक्वल है, ये तीनों को जोड़ देंगे तो किसके, सॉरी इन तीनों का स्क्वेयर किसके बराबर होगा, 7 की स्क्वेयर के। इसी तरह से देखो 3 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, 12, और ये किसके स्क्वेयर के बराबर होगा, 13 की स्क्वेयर के। इसी तरह से 4 मल्टीप्लाई 5 किसके बराबर हो जाएगा, 20 की स्क्वेयर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 21 की स्क्वेयर। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, 11 की स्क्वेयर 121, 101 की स्क्वेयर 1021201। तो देखो क्या हो रहा है, जितनी जीरो यहाँ पर दी गई है उतनी ही 2 के आगे पीछे लग जाएगी। यहाँ पर 2 जीरो दी गई है तो 2 जीरो 2 के आगे पीछे लग जाएगी। यहाँ पर 3 जीरो दी गई है तो 2 के आगे पीछे कितनी लग जाएगी, 3 जीरो। देखो 3 जीरो 2 से आगे, 3 जीरो 2 से पीछे लग जाएगी। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन होगा, बहुत ही आसान है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ 90,000। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या करना है हमें, इसकी क्या रखनी है, स्क्वेयर रूट निकालनी है। तो देखो इसके लिए क्या किया जाएगा, 90,000 स्क्वेयर निकालनी है ना, इसके 1000 स्क्वेयर रूट निकालनी है। तो 90,000 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 45,000 आएगा, फिर उसे 2 से डिवाइड करेंगे 22,500, 11,000 टू 500, 5,600 टू 5 आएगा, फिर 11,250 आएगा, 225, 459, 9 और 3। ये सब हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब असेसमेंट है ना, तो हमने फटाफट आंसर करते हैं, हम ये समझ चुके हैं। अब देखो जब हमें क्या निकालना होता है, वर्क हमें क्या निकालना होता है, स्क्वेयर रूट निकालनी होती है, तो हम हमेशा पेयरिंग में नंबर लेते हैं। इस 2 को हम सिर्फ 1 मानेंगे, इस 2 को हम सिर्फ 2 मानेंगे, इसको हम 5 मानेंगे, इसको भी 5 मानेंगे, और यहां पर 3 मानेंगे। तो हम टोटल नंबर किस तरह से लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई और 3। देखो हम पेयरिंग में से होते हैं, दो नंबर उसको हम एक काउंट करते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 300। तो 90,000 का स्क्वेयर रूट कितना हो जाएगा, 300। ये हम अच्छे से समझ चुके हैं वर्कशीट में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर कैन बी मल्टीप्लाई 3200 गिवन टू परफेक्ट स्क्वायर। एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 32 में किस स्मॉलेस्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें भी सेम ऐसे ही होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालेंगे हम स्क्वेयर रूट में, और जो नंबर पेयरिंग में नहीं होगा, जो भी नंबर पेयरिंग में नहीं होगा, वो पेयरिंग में हम नंबर ला के इसको क्या कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं आंसर किस तरह से करेंगे हम। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको हम, यहाँ पे 3200 है, तो इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे हम, 3200 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से जब तक कि डिवाइड होता है, लास्ट में कितना आया, 50, फिर हम इससे 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 25, फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, और फिर उसके बाद में 1। तो ये मेथड हम कर चुके हैं, इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं फैक्टर की यहाँ पर कौन सा पेयरिंग बन रहा है। देखो ये वाला नंबर पेयरिंग हो रहा है, ये भी नंबर पेयरिंग हो रहा है, ये नंबर भी पेयरिंग हो रहा है, और ये नंबर भी, मतलब कि 2, 2, 2 और 5, ये सारे नंबर क्या है, पेयरिंग में है। यहाँ तक तो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये 2 जो है वो पेयरिंग में नहीं है। अगर हम इस पूरे नंबर को, अगर हम इस पूरे नंबर को 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कि 3300 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, 64, ये क्या हो जाएगा, एकदम परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, 6400 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो लेकिन अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमसे यही पूछा है कि किस नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमारा आंसर क्या आएगा, क्योंकि ये 2 पेयरिंग में नहीं है, तो हम एक और अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आंसर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 2 है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कहा गया है, फाइंड अ पाइथागोरम ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 10।
क्या कहा गया है कि पाइथागोरम ट्रिपलेट आपको पता करनी है जिसकी वन नंबर जो है वो 10 है, तो हम इसको 2m मानेंगे और उसके बाद हम m की वैल्यू निकालेंगे। m की वैल्यू निकलते ही हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, m की स्क्वायर की प्लस 1 और m की स्क्वायर की माइनस 1। तो आइए करते हैं इसे सॉल्व। तो देखो किस तरह से सोल्व किया जाएगा, हमें दिया गया है m दिया गया है, हमें 2m दिया गया है, वो कितना दिया गया है 10 दिया गया है, तो हम m की वैल्यू निकाल लेंगे। 2m की वैल्यू अगर 10 है तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी ना। m की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अगर अब हमारे पास में m की वैल्यू आ गई तो हम फॉर्मूले को पुट करते हैं, m की स्क्वायर प्लस 1 और m की स्क्वायर माइनस 1। हम क्या करेंगे, m की स्क्वायर 1 प्लस और m की स्क्वायर माइनस 1 से हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं m की जगह, तो क्या होगा 5 की स्क्वायर माइनस 1 इक्वल कितना आ जाएगा 25 माइनस 1 24। हमारा एक नंबर आ गया 24। दूसरा क्या करेंगे, देखो m की जगह हमने क्या लिख दिया 5 की स्क्वायर प्लस 1, तो 25 प्लस 1 26, तो एक नंबर हमारा 26 निकला, एक नंबर 25 और एक नंबर हमारा क्या है 10 एक नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कहा गया है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द 0.9 अप टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। हमें क्या करना है, स्क्वायर 0.9 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है और 3 डेसिमल के प्लेस तक। तो आइए करते हैं इसे सॉल्व, ये अच्छे से समझ चुके हैं, तो आइए करते हैं। देखो किस तरह करेंगे, हमें क्या करना है 0.9 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसी तरह से देखो हम 0.9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 9 से यहाँ पे हमने किया, अब देखो 9 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 को 9 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, 9 को क्या करते हैं, हम 9 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो क्या करेंगे, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 81, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ चुके हैं, हम सिर्फ फटाफट एक रिव्यू लेते हैं। उसके बाद देखो इन दोनों नंबर को हम क्या करते हैं, प्लस करके यहाँ पर लिखते हैं 18 आ गया। अब 18 में हम क्या ऐड करें, और ये जीरो जो पेयरिंग में है हम ये नीचे लिख देंगे। अब हमने यहाँ पे लिखा 4, जब 184 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 736, और यहाँ पे हमने 4 और 9 और 4 लिख दिया। अब जब इन नंबर को हमने जोड़ेंगे, हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 188 और 8 यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.948, ये हमारा स्क्वायर रूट इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान से करना है, समझा मैं वर्कशीट में पहले से ही अच्छे से समझा चुकी हूँ, अगर कुछ भी कंफ्यूजन लगती है तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या कहा गया है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 356 बाय एस्टीमेट। हमें एस्टीमेट निकालना है, एग्जैक्टली नहीं निकालना है, एस्टीमेट की ये किसकी जो स्क्वायर हो सकती है, स्क्वायर रूट हो सकती है, तो वही देखेंगे। देखो 18 और 19 के आसपास का नंबर लग रहा है स्क्वायर में, तो ये इसके आसपास का होगा तो हम इसे 19 मानेंगे। देखो करते हैं सॉल्व, देखो किस तरह से करेंगे, हम देखेंगे कि ये देखो क्या करेंगे, ये देखो 18 की स्क्वायर कितनी होती है 324 और 19 की स्क्वायर कितनी होती है 361, तो इन दोनों के बीच का नंबर है 356। ये क्या है, इन दोनों के बीच का नंबर है, तो हम किसकी स्क्वायर मान लेंगे इसको, 19 की स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 19 की स्क्वायर, एप्रोक्सीमेट निकालना था ना हमको, तो ये क्या हो जाएगा, एस्टीमेट क्या आ जाएगा 19 की स्क्वायर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कहा गया है, 2601 प्लांट टू बी प्लांटेड टू अ गार्डन इन सच वे ऑफ ईच रो कंटेन एज मेनी प्लांट एज द नंबर ऑफ रो, फाइंड द नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ प्लांट। ओके, देखो क्या कहा गया है कि एक गार्डन है, उसमें जितने प्लांट इस तरह रो में लगाए गए हैं उतने ही प्लांट इस तरह लगाए गए हैं, रो और कॉलम दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमें क्या पता करना है कि रोज पता करनी है और नंबर प्लांट्स कितने, ईच रो में कितने प्लांट्स लगे हैं ये पता करना है। तो हम ये क्वेश्चन अच्छे से पहले भी कई बार कर चुके हैं, तो आइए फटाफट इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए किस तरह से हम करेंगे, लेट्स नंबर ऑफ रो, नंबर कितनी मानी हमने x मानेंगे, यहाँ पे नंबर कितनी मानी, रोज कितनी मानी x, और प्लांट ईच रो में प्लांट कितने हैं x, नंबर रोज कितनी है ये भी x है, और यहाँ पे जो प्लांट लगाए गए हैं वो भी कितने हैं x है, तो टोटल प्लांट कितना हो जाएगा x मल्टीप्लाई x, x की स्क्वायर आ जाएगा। हमें x की स्क्वायर टोटल प्लांट दिए गए हैं 2601, ये हमें टोटल प्लांट दिए गए हैं 2601 हमें टोटल प्लांट दिए गए हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम क्यूब रूट निकालेंगे, हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 6201 की, जब हम निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा 51, मतलब कि x की वैल्यू कितनी हो जाती है, यहाँ पर x की वैल्यू हो जाती है यहाँ पर 51। तो अब यहाँ पे देखो जो नंबर ऑफ प्लांट है वो भी कितने हो, ईच रो में कितने प्लांट हो जाएंगे 51 और रोज कितनी हो जाएगी 51। ठीक है स्टूडेंट, अब करते हैं हम नेक्स्ट, ये तो हमारा लास्ट क्वेश्चन ही था, तो हमारे आंसर आ चुके हैं। देखो कि नंबर ऑफ रोज कितनी है 51 है, और नंबर ऑफ प्लांट ऑफ ईच रो ये भी कितना आ जाएगा 51, क्योंकि दोनों की वैल्यू हमने x ली थी। तो ये हो जाएगी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।